नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आंखों में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आंखों की संरचना क्या है, इसके बारे में पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आज हम लोग देखेंगे आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाबी आंखें। क्या? गुलाबी आंखें, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक संक्रामक बीमारी होती है और बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी द्वारा होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियो स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है और ये कंटेजियस डिसीज होती है, मतलब संक्रामक बीमारी होती है। मतलब यदि किसी को ये गुलाबी आंखें कंजक्टिवाइटिस है और वो किसी दूसरे पर्सन को भी ऐसे ही देख ले लगातार, तो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा। या मान लीजिए ऐसे अपने आंखों में ऐसे हाथ फेरे और फिर जो है दूसरे के सामने ऐसे कर दे, तब भी उसको क्या हो जाएगी? कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये 3-4 दिन की जो है बीमारी होती है, 3-4 दिन के बाद अपने आप ही वह जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ लोगों में जो आंखें लाल बनी रह जाती हैं या लाल रहती है, वो किसी न किसी जो है एलर्जी के कारण होती है, वो इस अलग होती है। ये केवल 3-4 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, आंखों में जलन होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो ये एक जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग अगली बीमारी की बात करते हैं, भेगापन। क्या बोलते हैं? भेगापन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते किसी दूसरे तरफ हैं, लेकिन देख रहे होते किसी दूसरी तरफ, ऐसे लगता है ना कि जैसे दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरफ देख रहे हैं, किसी दूसरी तरफ देखते होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आँखों को घुमाने वाली मसल्स होती है ना, मांसपेशियाँ होती हैं, वो छोटी या बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आंखें तिरछी हो जाती हैं। भेगापन इसी को हम लोग बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, जब जो है हमारी जो आंखों को घुमाने वाली मसल्स छोटी या बड़ी हो जाती, तभी ये होता है। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे जीभ होती है, जीभ में जो मसल्स, जीभ को घुमाने वाली मसल्स होती हैं, यदि वो छोटी बड़ी हो जाए तो आदमी क्या हो जाता है, तुतला हो जाता है। सेम चीज़ इसमें भी होता है। देखिए, बचपन में यदि ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़े में आप सोचें कि ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाए, तो बड़े में ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि इससे क्या होता है, थोड़ा सा देखने में जो है ऐसे लगा करता है कि वो देख दूसरी तरफ रहा है और देखता कुछ दूसरी तरफ है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भेगापन। ठीक है, अगली बीमारी की अगर हम लोग बात करें तो अगली बीमारी हमारी है मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद, ध्यान रखिएगा, मोतिया बिंद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटराक्ट। ठीक है, मोतिया बिंद। इसमें क्या होता है कि आंखों में जो लेंस होता है ना, उसमें एक जो है द्रव आने लगता है किसी न किसी टाइप का। इससे क्या होता है, आंख जो लेंस होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपारदर्शी होने लगता है। इससे क्या होता है कि जब आँख का लेंस ही अपारदर्शी हो जाएगा तो प्रकाश जो है अंदर जा ही नहीं पाता, और इससे क्या होता है, इससे भी जो है क्या हो जाता है, अंधापन आने लगता है। और इसका लक्षण क्या होता है कि आँखों के ऊपर आप जो छोटे छोटे जो है सफ़ेद सफ़ेद की बूंदी दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। तो इसके इलाज के लिए आप क्या करें, इसके जो सर्जरी किया जाता है कि लेंस को हटा के दूसरा हम लोग आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, ताकि जो है व्यक्ति को अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मोतियाबिंद। अब हम लोग अगली बीमारी की बात करते हैं। अगला बीमारी है हमारी रतौंधी। क्या है? रतौंधी
रतौंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं, ठीक है। रतौंधी रोग आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होती है। किस कमी, किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होती है। और जो ये विटामिन ए होता है ना, जो विटामिन ए होता है, ये विटामिन ए ही रोडोप्सिन, अभी हमने पीछे जो है जब आंखों के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया है कि रेटिना में जो एक प्रोटीन जो है सेक्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन के सेक्रेट होने में विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रोडोप्सिन ना सेक्रेट होता है, अगर कम सेक्रेट होता है तो हमें अंधेरे में या जैसे शाम ढलती है तो हमको दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पिगमेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, तो वही रोडोप्सिन होता है, ध्यान रखिएगा। तो रोडोप्सिन जब कम सेक्रेट होता है, किस कमी से, विटामिन ए की कमी से, तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि अंधेरे में या शाम के समय से फिर रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये है आपका रतौंधी रोग, जो विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी आंखों से संबंधित ही रोग है। अब हम लोग अगली जो है बीमारी की बात करते हैं। अगली बीमारी है हमारी ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा की अगर बात करें तो यह भी अंधेपन का ही कारण बनता है। जिस प्रकार से मोतियाबिंद जो है अंधेपन, अगर मोतियाबिंद के इलाज अगर समय पर ना हुआ तो आदमी अंधा हो सकता है, सेम ग्लाइकोमा भी होता है। ग्लाइकोमा में क्या होता है कि देखिए, आंखों के अंदर कक्षाएं होती हैं, यदि उन कक्षाओं में दबाव, जो भी दबाव लगता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब अधिक दबाव हो जाए या कम दबाव हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोमा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगली बीमारी की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो बीमारियों के बारे में एक साथ। एक है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। क्या है, दूर दृष्टि दोष। इसको, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर, हाइपरोपिया, ध्यान रखिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की चीजें अच्छी दिखाई देती है, मतलब साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें साफ सुथरा दिखाई नहीं देती, मतलब साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होते हैं, पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें क्या होती हैं, साफ दिखाई नहीं देती। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह मत समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष है तो जो है पास की चीजें अच्छी दिखाई नहीं देती है, यह ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष है तो पास की चीजें अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीजें अच्छी दिखाई नहीं देगी। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात आती है कि इनको कैसे दूर किया जा सके, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, किसमें उत्तल लेंस लगता है, किसमें अवतल लेंस लगता है, कंफ्यूजन रहता है ना। तो इसको देखिए, आज से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, अनिल। क्या, अनिल, अनिल मतलब, देखिए अनिल मतलब क्या, नी से मतलब निकट दृष्टि दोष, आ से मतलब अवतल लेंस। जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें हम लोग अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का चश्मा लगा के क्या कर देंगे, इस बीमारी को दूर करेंगे। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें निगेटिव पावर वाला चश्मा लगेगा। और याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को किसी भी चीज को खा पी के कि ये खाइए वो खाइए दूर हो जाए तो नहीं, आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली, अच्छा एक चीज और बता दें, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, इसमें जो फोकस दूरी होती है ना वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती, उसके पहले ही क्या जाती, रुक जाती है। इसी के कारण पास की जो चीजें होती है वो तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती है वो साफ दिखाई नहीं देती। इसका जस्ट उल्टा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो रेटिना के पार चली जाती है, जिसके कारण क्या होती है,
दूर की चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग, अब देखिए इसमें हम लोग उत्तल अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको लिए भी याद रखिएगा उदय, क्या याद रखिए, उदय द से क्या है दूरदृष्टि दोष, उसे क्या है उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का। जो दूरदृष्टि दोष होता है आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मोटे मोटे लेंस जो है वाले चश्मे पहनाए जाते हैं, वो पॉजिटिव पावर के होते हैं, और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं अच्छा खान पीन अगर अच्छा हुआ तो ये सही भी हो जाता है ठीक है। तो ये दो दो आप बीमारियों के याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने सारा चीज इसमें क्लियर किया। अब हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष की, किसकी बात करेंगे जरा दृष्टि दोष। अब हम लोग बात करते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, जिसको बोलते हैं प्रेसबाइओपिया, प्रेसबाइओपिया ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर बूढ़ों को होती है, और इसमें होता क्या चीज है कि मांसपेशियों की सामान्य क्षमता में कमी आ जाती है ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी मतलब अगर आप जल्दी जल्दी जो है किसी भी चीज को पास दूर करेंगे तो उनको समझ में चीजें नहीं आती हैं, मतलब उनको निकट दृष्टि दोष की भी समस्या रहती है और दूर दृष्टि दोष की भी समस्या इकट्ठा ही रहती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, बुढ़ापे वाली ये दोष होता है ठीक है। और इसमें क्या होता है जब इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को उपयोग करते हैं, मतलब इसमें जो लेंस उपयोग करते हैं कुछ ऐसा होता है जिसमें नीचे वाला लेंस कैसा होता है उत्तल लेंस, कैसा होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ऊपर वाला कैसा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस ध्यान रखिएगा। तो यह होता है जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और इसमें मांसपेशियों की सामान्य क्षमता में क्या हो जाती है कमी आ जाती है, ज्यादातर बूढ़ों को होती है ध्यान रखिएगा। और इसमें दोनों टाइप के लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का ठीक है। अब अगली बीमारी की हम लोग बात करते हैं दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, वैषम्य जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं एस्टिमैटिज्म, एस्टिमैटिज्म, एस्टिमेटिज्म। इसमें क्या होता है कि कार्निया प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है जिसके कारण दृष्टि वैषम्य एस्टिमेटिज्म हो जाता है ध्यान रखिएगा। और इसमें जिस भी व्यक्ति को बीमारी होती है वो व्यक्ति वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चीजों को आसानी से नहीं देख पाता है ठीक है। इसके लिए किस टाइप के चश्मे का उपयोग करते हैं तो सिलिंड्रिकल ठीक है, सिलिंड्रिकल चश्मे का उपयोग करते हैं जिसमें जो है 165 डिग्री ऐसे जो है लिखा रहेगा। तो इस टाइप की जब चश्मे यूज हो गए तो याद रखिएगा उस व्यक्ति को किस टाइप की बीमारी है वैषम्य एस्टिमेटिज्म की बीमारी होती है ध्यान रखिएगा, यह भी आंखों से संबंधित ही बीमारी होती है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रंग वर्णांधता, क्या बोलते हैं रंग वर्णांधता, वर्णांधता इंग्लिश क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है व्यक्ति को कलर पहचानने में मुश्किल होती है, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन सा होता है एक्स क्रोमोसोम इसके लिए जिम्मेदार होता है ध्यान रखिएगा। इसको जब हम जेनेटिक पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत डिटेल बताएंगे। इसमें होता क्या चीज है कि यदि व्यक्ति को लाल प्लस नीला या हरा प्लस लाल या लाल हरा नीला, लाल प्लस हरा प्लस नीला साथ में दे दिया जाए तो व्यक्ति को पहचानने में क्या होती है दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आज हमने आंखों के संबंधित बीमारियों के बारे में आपको डिटेल में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और एक चीज और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलेंगे जिसमें हमने रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ
और बहुत सारे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सारे सब्जेक्ट के हमने अच्छे से प्रिपरेशन कराया हुआ है, तो उसको जाके आप जरूर देखिएगा एक बार और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छे लगे तो जो है अपने दोस्तों पे हमारे वीडियोज को शेयर भी कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।